नमस्कार, मैं अर्चना मेहता और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव। आइए रुख करते हैं खबरों का। खबर तमिलनाडु से है, जहां केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी एवं लाभों को अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने हेतु प्रारंभ हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत तमिलनाडु प्रदेश के जनपद तथा लोकसभा तंजवार क्षेत्र के मंडल मांडुकुर वेस्ट के ग्राम केला कुर्ची तथा पुल्लावाजी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अगली खबर प्रयागराज से है, जहां प्रयागराज मंडल के उचित दर विक्रेताओं ने ऑल इंडियन फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन के तत्वाधान में मानदेय बढ़ाने की मांग करते हुए ज्ञापन कमिश्नर प्रयागराज को दिया, जिसमें अन्य राज्यों के तरह उत्तर प्रदेश में भी कांटेदारों एवं मानदेय बढ़ाने की मांग की गई है। अगली खबर बलिया से है, जहां पहुंचे यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बयान देते हुए कहा कि धर्म राजनीति का हिस्सा नहीं हो सकता। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के पास जनता के सवालों का जवाब नहीं है, ऐसे में वो धर्म के पीछे छिप जाती है। अखिलेश यादव ने श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के आमंत्रण पर सवाल पर कहा कि भगवान जब बुलाएंगे तो बीजेपी नहीं रोक पाएगी। और क्या कुछ कहते हैं अखिलेश यादव, आइए आपको सुनाते हैं। मैं यहाँ श्रद्धांजलि देने और अपनी पार्टी के कार्यकर्ता साथी जो साथ रहे हैं उनका दुख बांटने आया। राजमंगल यूथ से लेकर के अभी तक लगातार पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता रहे, उन्होंने पार्टी की बहुत मदद की। ये साथी वो थे जो आने वाले चुनाव में मदद करना चाहते थे। जो नुकसान पार्टी का हुआ है उसकी भरपाई नहीं होगी। हालांकि राजनीति में जो लोग चले जाते हैं इस तरह, वो हमेशा याद रहते हैं। हमें दुख है इस बात का। जहां तक बलिया और बलिया के पत्रकार साथियों से बातचीत हो रही है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स या और एजेंसियां जिससे विपक्ष के लोगों को परेशान किया जा सके या बदनाम किया जा सके, ये प्रयास हमेशा होते रहे हैं। जब भी कोई पार्टी सरकार में रही है और जब उसको घबराहट हुई है कि वो सत्ता से बाहर हो जाएगी, तो इसी तरह सत्ता में रहने वाले लोगों ने एजेंसियों का इस्तेमाल किया है। जिस किसी भी सरकार ने इस तरह की एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया है, वो सत्ता से हमेशा बाहर हुए हैं। हमेशा सत्य की जीत हुई है, जो सच्चाई के साथ खड़े उनकी जीत हुई है। और आपसे बेहतर कौन जानेगा पत्रकार साथियों, आपने तो वो लड़ाई लड़के देखा है। क्या आपने कोई बात कही जो सच थी और उस पर आपको जेल तक जाना पड़ा, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि आप झुके नहीं और आप अंतोगत्वा जीते। इसलिए मैं बधाई भी देना चाहता हूँ आपको। न केवल बलिया जेल में रहे आप लोग, मैं से साथी आजमगढ़ जेल में भी रहे आपके साथी। तो ये एजेंसियों का या सरकार का इस तरह का व्यवहार हमेशा रहता है आवाज दबाने का। लेकिन लोकतंत्र में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो ताकत दी है अपने अधिकारों को लड़ने की, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने जो सिद्धांत दिया आगे बढ़ने का, लड़ने का, नेताजी ने संघर्ष का रास्ता बताया। और बलिया से बेहतर कौन जानेगा, देश आजाद बाद में हुआ, बलिया पहले आजाद हो गया। तो इतने क्रांतिकारी धरती पर ये हमारे पत्रकार साथी सवाल पूछ रहे हैं, ये आप सब जानते हैं कि जनता जिस समय खड़ी होगी सरकार को झुकना होगा और सरकार झुकेगी, क्योंकि जो बुनियादी सवाल वो वैसे के वैसे हैं। आप कितना भी विकसित भारत का प्रचार प्रधानों के पैसे से कर लें, चेयरमैनों के पैसे से कर लें, उससे क्या विकसित भारत बन जाएगा, विकसित प्रदेश बन जाएगा? आप प्रधानों के पैसे से विकसित बनाना चाहते हैं, कितना बड़ा धोखा है सोचिए। और बैंकों का पैसा जो था, जो वसूला जाना था, 15 लाख करोड़ रुपया आपने उद्योगपतियों का माफ कर दिया। आज आप कर्ज में जा रहे हैं, कर्ज बढ़ता चला जा रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी तो एक कदम आगे थे, 46 में 56, याद है वो भाषा कि 46 में 56 नौकरियां मिलती थी हमारी सरकार में, आज तक सूची नहीं मिली। और कह रहे थे कि 40 लाख करोड़ का निवेश आएगा, इटावा में ना आया हो, हमें उम्मीद है कि बलिया में पिछले 7 साल और दिल्ली की 10 साल की सरकार में कुछ तो निवेश आया होगा, देवरिया में कुछ आया होगा, गाजीपुर में कुछ आया होगा,
जो सड़क हम लोगों ने लखनऊ और दिल्ली और पीछे पटना से जोड़ने के लिए किया काम, चाहे वो पुल बनाया हो और चाहे आपका पूर्वांचल का समाजवादी एक्सप्रेसवे, वो आधा अधूरा है। केवल शहर गांव जुड़ने के लिए नहीं थी, उसके साथ साथ मंडियां बनती या कुछ और काम शुरू होते तो यहाँ के लोगों का जीवन बदलता। और ये संभव तभी हुआ, लखनऊ से सुबह चल करके आए, मौसम खराब होने के बावजूद भी अगर ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे समाजवादियों ने न दिया होता तो शायद इतनी जल्दी आपके बीच में न पहुंच पाए। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर अमेठी से है, जहां जनपद के विकास खंड जामो में ग्राम सभा बाजीगाड़ी और वर्रा में आयोजित विकास भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से अच्छादित लाभार्थियों को प्रमाण पत्र एवं प्रशस्ति पत्र वितरित कर विजय विक्रम सिंह ने संबोधित किया। इस अवसर पर क्षेत्रवासियों ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने में योगदान देने के लिए शपथ ली और कार्यक्रम में दूर दराज से इस भीषण ठंडक में भी हजारों की संख्या में महिलाएं एवं पुरुष उपस्थित हुए। अगली खबर चित्रकूट के जनपद से है, जहां एक सनकी युवक का विद्युत पोल पर चढ़ के गमछे से फांसी लगाने का हाई वोल्टेज ड्रामा सामने आया है, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। घंटों कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस प्रशासन ने सनकी युवक को विद्युत पोल से नीचे उतारा और जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मामला मणिकपुर थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर मोहल्ले का है। और क्या कुछ कहते हैं SDM राम जन्म यादव, आइए आपको सुनाते हैं। आज ये पता चला कि एक व्यक्ति जो है पोल पे चढ़ गया था और सूचना आने पे जो है पालिका की जो हमारी टीम है सभी लोग तत्काल मौके पर पहुंचे, लाइट वेट कटवा दिया गया था, उसके बाद रेस्क्यू कर लिया गया और तत्काल अस्पताल लाया गया। इस समय पूरी ठीक है। खबर बुलंदशहर से है, जहां टावरों से बैटरी चोरी करने वाले गिरोह के साथ छतारी पुलिस की मुठभेड़ हो गई। आपको बताएं कि मुठभेड़ में दोनों तरफ से चली कई राउंड गोलीबारी हुई। वहीं जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी और बदमाश घायल हो गया। घायल बदमाश पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद हमेशा के लिए जुर्म से तौबा कर रहा है। खबर के सफर में बस इतना ही, और न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहिए न्यू इंडिया लाइव के साथ। नमस्कार।